हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्डिंग स्पोर्ट 11। फ्रेंड्स, ये हम बात करने वाले हैं जो लंका शायर और नॉटिंगम शायर के बीच में फ्रेंड्स अगला मैच खेला जाएगा इंग्लिश वनडे कप का। फ्रेंड्स, यहां से आपको बता दें कि नॉटिंगम शायर ने अभी तक कोई मैचेस नहीं खेला, इनका पहला मैच है। तो इनकी क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है और कौन से प्लेयर इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको जानकारी देने वाले फ्रेंड्स यहाँ पे। और साथ में यहाँ से लंका शायर ने जो भी यहाँ से परफॉर्मेंस दिया एक मैचेस में, किस प्लेयर ने कितने विकेट्स यहाँ पे निकाले हैं, सब कुछ यहाँ से आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे YouTube पे आगे आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे लंका शायर का। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ट्रेंट रिट्ज नॉटिंगहम में मैच खेला जाएगा। और वहीं पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो मैच 3:30 बजे चालू होने वाला है तो टाइम काफ़ी कम बचा है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं, मैक्सवेल आपके लिए अच्छी चॉइस होने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए पार्किंसन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बस 5 विकेट निकाले, तो ये प्लेयर आपने बिल्कुल अपनी टीम में ट्राई करना है। और चेक ने यहाँ पे अच्छी खासी 50 लगाई फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपने बिल्कुल इनको अपनी टीम में ट्राई करना है, ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं नॉटिंगहम तरफ से, तो लास्ट सीजन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 13 विकेट निकाले थे यहाँ से कार्टर ने, इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपने ध्यान रखना। हालांकि इस मैच में थोड़े से रिस्की रहेंगे, खेलेंगे नहीं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है इनको मौका मिलेगा। और 13 विकेट निकाले थे यहाँ पर लास्ट मैच में, तो भाई इनको अपनी टीम में ट्राई कर लेना। इसके अलावा देखिए आपके पास मुलानी है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लीड भी कर रहे हैं यहाँ पर टीम को। और इसके अलावा हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे थे लास्ट सीजन के, तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जैक बॉल, अब जैक बॉल को लेकर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 14 विकेट निकाले थे इन्होंने लास्ट सीजन, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही दोनों टीमों का टीम न्यूज। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्वाड चाहो तो देख सकते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप स्क्वाड देख लेना एक बार, कुछ ज़्यादा लंबा स्क्वाड है नहीं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए क्या परफॉर्मेंस दिया, तो वो भी मैं आपको एक टीम से दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए लंका शायर ने क्या परफॉर्मेंस दिया, तो केटिंग जेनिंग ने बहुत अच्छी 50 लगाई, वो ओपनिंग आई थी खेलने के लिए। और यहाँ से आसिफ आमिद, ये फ्रेंड्स ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चॉइस रहने वाले, इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, लेकिन फिर भी इनको लिया हुआ ओपनिंग आएंगे प्लेयर। इसके अलावा यहाँ से ब्रोक आपको ये मिल जाएंगे, क्विट्स विकेट कीपर सेक्शन में 36 रन की पाली इन्होंने खेली हो, और आप देख सकते हैं वन डाउन खेलने के लिए आएंगे। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल आए थे 4 नंबर पर खेलने के लिए, 35 रन लगाए और साथ में इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा रॉब जोन्स आपको मिल जाएंगे, 27 रन की पारी खेली है। डैन बिलास आए थे, उसके बाद 29 रन इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ से जोश वैंडोन का ऑप्शन है, जो कि इन्होंने विकेट्स नहीं मिले, हालांकि 9 रन बनाए थे। और यहाँ से स्टीवन क्रॉफ्ट ने 32 रन की पारी खेली है और इनको कोई विकेट नहीं मिला, बॉलें भी इन्होंने कराई थी यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, आप महमूद को ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं सागर में, यहाँ पे 2 विकेट इन्होंने भी निकाले हैं। इसके अलावा जेम्स एंडरसन आपके लिए एक और अच्छी चॉइस रहने वाले, हालांकि इनको विकेट नहीं मिले, लेकिन मैथ्यू पार्कन का पिछले मैच सीजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे 5 विकेट इन्होंने पहले मैच में निकाले हैं, तो भाई इनको आप जरूर ट्राई करेगा। इसके अलावा चांसेस की बात करें तो यहाँ पे और कोई प्लेयर के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है नहीं कि फ्रेंड्स इनको इस मैच में मौका मिलेगा। परफॉर्मेंस हालांकि ठीक ठाक रहा, लेकिन चेंजेस होना चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, तो इनकी जगह पर यहाँ से ओनली वन या फ्रेंड्स यहाँ से स्टीवन पेरी, दो में से किसी प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। तो आपने ग्रैंड लीग में ट्राई करना, आप इनको ट्राई कर लेना। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं नॉटिंगहम शायर की, तो इनकी तरफ से देखिए जैक चैपल आपको मिल जाएंगे वो ओपनिंग करते हुए, और उसकी तरफ से बैंड टिकट का कंफर्म है लगभग। इसके अलावा देखिए स्लेटर 1 डाउन मिलने वाले हैं, क्रिश नेस हैं 2 डाउन, यहाँ से आपको 3 डाउन मिल जाएंगे जॉय कटर, उसके बाद मुलानी मिल जाएंगे स्टीवन मुलानी, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से समित पटेल, मोरिस और जैक बॉल, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है। और जेम्स पेटरसन और मैथ्यू कार्टर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चॉइस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लास्ट चॉइस में। हालांकि काफ़ी जगह इनको थोड़ा सा रिस्की बताया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं यहाँ पर इनको फ्रेंड्स टीम बैठाएगी, मुझे लगता है इनको मौका मिलेगा बिल्कुल डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आने का। तो आज के मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 रहने वाली है। और बाकी यहाँ पे ल्यूक फ्रेचर और ल्यूक बोर्ड, इनको टीम चाहे तो मौका देगी, बट मुझे लगता है 3 प्लेयर यहाँ पे आज के मैच में बेंच पे बैठने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ से मैं आपको बता दूं कि माई टीम 11 पे आपने खेला चालू नहीं किया है तो कर दीजिए, 100 रुपये आपको फ्री में मिलेगा खेलने के लिए, बस पैन कार्ड वेरीफाई करना है। और साथ साथ फ्रेंड्स देखिए अब भी वहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, जो कि आपको रोज बोनस मिलेगा, वो मैं आपके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, शायद से आज हमको मिलेगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप यहाँ पे ऐप को चालू करें टीम 11 को, आपको स्क्रैच कार्ड ऑलरेडी मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी पैसा मिलता है उसको आप टीम बनाने में यहाँ पे अपनी हेल्प में हो जाएगा आपके। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे स्क्रैच कार्ड मिला है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो पैसा मिला उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मुझे 14 रुपये यहाँ पे मिला है, मैंने स्क्रैच किया था, वहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डेली का ये कैश बोनस भी ले सकते हैं, साथ में 100 रुपये तो आपको मिल ही जाएगा, बस पैन कार्ड वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पे आप कैश बोनस का 100% यूज भी कर सकते हैं, आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कैश बोनस का भी अच्छा खासा ऑप्शन चल रहा है, मतलब 50% यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश बोनस मिलने वाला है, और छोटा अमाउंट भी है और बड़ा अमाउंट भी है। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे कैश बोनस चाहिए तो आप यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसके अलावा लीग्स भी अच्छी खासी खुलती हैं, अच्छी खासी विनर्स भी हैं,
हैं और अच्छी खासी विनिंग भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 47 रुपये, 27 रुपये, 10 रुपये, मतलब ये सारी लीग आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपको कैश बोनस मिलेगा आप यहाँ पे 100% यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपने खेलना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी ठीक ठाक विनिंग हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करते हैं हाला प्ले पे की, तो हाला प्ले पे आपने खेलना चालू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि देखिए खेलने के लिए हाला प्ले पे भी आपको 50 रुपये फ्री में मिलेगा, जिसका आप यहाँ से 100% यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी लीग वगैरह खुलते हैं, तो सारे IPL में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लगभग 10,000 के फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री लीग मिलेगी, तो आप बिल्कुल यहाँ पे रोज फ्री में ज्वाइन करके खेल सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है यहाँ पे खेलेगा और 50 रुपये का 100% यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 22 प्लेयर रहेगा जो दोनों टीमों का, माई टीम 11 और हाला प्ले और लीग सारी जगह आपको प्लेयर भी दिखा दिए जाते हैं टॉस होने के बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका प्लेयर भी नहीं चुकेगा, आपने यहाँ पे एक ही कैप्टन अपना डिसाइड करना रहता है, प्लेयर परफॉर्मेंस कर गया तो आप यहाँ से इजिली विन भी कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे खेलना चाहिए फ्रेंड्स। और साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लीग एक्स पे आपने खेला नहीं किया चालू, तो लीग एक्स पे खेलेगा, क्योंकि IPL कुछ ऐसे मैचेस हैं आप बिल्कुल लीग एक्स पे ही वहाँ पे खेल के अच्छा खासा विन कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लीग एक्स पे प्लेयर भी पता चल जाएंगे, और साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से 25 रुपये खेलने के लिए फ्री में मिलेगा, उसके अलावा 200 रुपये तक कैश बोनस लीग एक्स तरफ से मिलता है, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। 11 प्लेयर आप बिल्कुल यहाँ से चुनिए, टॉस होने के बाद प्लेयर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खेलेगा, आपकी यहाँ खास अच्छी खासी विनिंग हो जाएगी। कैश बोनस का आप यहाँ से 100% यूज कर सकते हैं, दोनों विकेट कीपर को ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑलराउंडर, 7 बैट्समैन, 7 बॉलर्स को मतलब अपने मन की टीम बना सकते हैं, यहाँ से फ्रेंड्स अच्छे खासा विन कर सकते हैं। और विड्रॉ आप जब भी करेंगे फ्रेंड्स आपको 2 सेकंड के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सारे साइडों का रेफर कोड और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से साइन अप करके खेल सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए एक टीम बना के रखी है मैंने आपके लिए, आपको एडिट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, अपने 6 दोस्त टीम के साथ खेल लेना, नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो। अपन सबसे पहले यहाँ पे देखिए विकेट कीपर में आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन में है टॉम मोरिस का ऑप्शन है, लेकिन टॉम मोरिस लगभग यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, और गेस्ट आपको दिख जाएंगे 1 डाउन खेलते हुए, तो 3 नंबर पर खेलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से गेस्ट ही आपके लिए अच्छी चॉइस होने वाली है, और बैटिंग करने का इनको थोड़ा सा ज्यादा चांस यहाँ पे मिलने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं बैटिंग में, तो आपके पास यहाँ से बेन डकेट का ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और केडी जेनिंग्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पहले मैच में, तो ये आपके लिए ठीक ठाक चॉइस रहने वाली है। इसके अलावा देखिए जॉय क्लार्क, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ से जो क्लाक का। अब जो क्लाक का यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बताया जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आप इनको ट्राई करना चाहें, अगर आप 3-4 टाइम लगा दें इनको ट्राई कर लेना। बाकी स्लेटर के भी चांसेस हैं यहाँ पे आज के मैच में खेले गए, डैन विलास आपको कन्फर्म खेलते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्रिस नेस एक और अच्छा ऑप्शन है, हालांकि परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन आपने ट्राई करना इनको ट्राई कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ से बर्न्स का ऑप्शन यहाँ से नहीं है मेरे हिसाब से, आपको जो खेलते हुए मिलने वाले हैं यहाँ से हमीद अहमद खेलते मिल जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जॉन्स को लेना तो जॉन्स आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाले। अब बात करते हैं इनके बैटिंग ऑर्डर की, तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बैन टिकट आपको ओपनिंग करते दिखाई देगा, आपने चाहिए तो इनको टीम में ट्राई कर लेना। इसके अलावा कैडी जेनिंग भी आपको एक बार ओपनिंग करते हुए फिर से दिखाई दे सकते हैं, तो आपने चाहिए तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर लेना। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए स्लेटर का ऑप्शन है आपके पास, जो कि स्लेटर मेरे हिसाब से आज के नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 3 नंबर पर खेलना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने चाहिए तो इनको ट्राई कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं डैन विलास की, फ्रेंड्स यहाँ से डैन विलास जो थे 6 नंबर पे खेलने के लिए आए थे, और फ्रेंड्स यहाँ से क्रिसनेस लगभग 4 नंबर पे खेलने के लिए आना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए इनका अभी बैटिंग ऑर्डर क्लियर नहीं, लेकिन इनका सारा यहाँ से लेंकर सार की तरफ से क्लियर हो चुका, जो पहले मैच जिसमें जैसा बैटिंग ऑर्डर आया था मैंने सब कुछ आपको सेम बताया। इसके अलावा देखिए इनका लगभग एक्सपेक्टेड है, फिर भी थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर इधर उधर हो सकता है फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए यहाँ से हामिद का ऑप्शन है, जो कि यहाँ से लगभग ओपनिंग आए थे, तो आपको फिर से एक बार ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये जोन्स यहाँ पे 5 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, तो आपने चाहिए तो आप इनको भी ट्राई अपनी मर्जी से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए लिस्बी का बहुत कम चांसेस यहाँ के आज के मैच में इनको खेलने के लिए मिले, तो ये तो रहे सारे प्लेयर इनका बैटिंग ऑर्डर, तो भाई अपने हिसाब से यहाँ पर ट्राई कर लेना, परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, तो आपके पास ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन है, जो कि 4 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, 35 रन के साथ साथ 2 विकेट भी निकाले, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन यहाँ पर नहीं है स्क्वाड में, तो मेरे हिसाब से आज के मैच में ना खेले, आप इनको ट्राई मत करना। आपके पास यहाँ शमित पटेल का ऑप्शन है, जो कि लगभग आपके यहाँ से 7 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे, तो आपने चाहिए तो बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मुलाने का आपके पास ऑप्शन है, तो अल्टरनेट खेलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर 7 नंबर पे खेलेंगे समित पटेल तो 6 नंबर पे आपको मुलाने खेलते हुए दिख जाएंगे, और लास्ट टाइम के हाईएस्ट रनर स्कोरर थे, तो आप बिल्कुल इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ एक अच्छे ऑप्शन है आपको ट्राई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एसक्रॉफ्ट का ऑप्शन बचता है। फ्रेंड्स यहाँ से लास्ट मैच में जो एसक्रॉफ्ट आए थे 8 नंबर पर खेलने के लिए, और फ्रेंड्स वहीं पर 7 नंबर पर आए थे वेंडोन, तो आपने ट्राई करना कर लेना, दोनों बॉलिंग भी ठीक ठाक करा लेते हैं, और फ्रेंड्स अच्छा ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं, दोनों तो
ग्रैंड लीग में आपके पास अच्छी चॉइस हो सकती है, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर से ऐसे देखिए बात करते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में भाई आपके पास यहाँ से एंडरसन का ऑप्शन है, आपको चाहिए तो इनको ट्राई कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ से जैक बॉल, मेरे हिसाब से जो लास्ट सीजन का था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इनको खेलना चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस मैच में। इसके अलावा लीग के थोड़े से यहाँ पर रिस्की रहने वाले हैं और इवन का चांसेस यहाँ पर बहुत कम बताया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ वगैरह देखी है, पैरी को चांसेस यहाँ पर मिल सकते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान रखना अपने दोनों प्लेयर यहाँ पर डाउट में रहने वाले हैं। बाकी यहाँ से महमूद आपको मिल जाएंगे तो आप इनको ट्राई कर लेना। इसके अलावा पार्किंसन 5 विकेट लिए तो भाई इनको ट्राई करूंगा। और फ्रेंड्स बाकी आपकी मर्जी, आपने जो भी प्लेयर यहाँ से ट्राई करना आप यहाँ से ट्राई कर लेना। देखिए फ्रेंड्स बाकी खेलने वाली बात है तो मैथ्यू कार्टर का मैं आपको बता चुका, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, मतलब हाईएस्ट तो नहीं थे लेकिन अच्छे खासे विकेट्स इन्होंने निकाले थे, लेकिन चांसेस इनके कम बताया जा रहा है, इस वजह से मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपने ट्राई करना है तो आप इनको कर लेना। बाकी यहाँ पे देखिए और किसी की बात करें तो चैपल का थोड़ा सा चांसेस है यहाँ पे, लेकिन रिस्की चॉइस में रहने वाले फ्रेंड्स ये प्लेयर हैं, इसलिए मैं यहाँ से स्मॉल लीग में आपको इनसे दूरी रहने का कहता हूँ। बाकी हार्ट को जोड़ा गया है स्क्वाड में तो मुझे नहीं लगता इनको मौका दिया जाएगा। यहाँ से लुकवुड भी थोड़े से रिस्की रहने वाले ऑप्शन है, मतलब आपके पास ये गिने चुने ऑप्शन है, आप फ्रेंड्स इन्हीं में से अपने प्लेयर यहाँ पर ट्राई कर लेना तो आपके लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जैसे एंडरसन वगैरह ऐसे प्लेयरों को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपकी फाइनल टीम का प्रीव्यू ये भी रह सकता है और आपने जो भी चेंजेस करने हैं, मैंने जो प्लेइंग 11 आपको दिखाया है एक बार फ्रेंड्स वहाँ पर वीडियो को बैक करिए, प्लेइंग 11 देखिए और इनका परफॉर्मेंस भी ऑलरेडी मैंने लगभग आपको बताया है, जो प्लेयर खेले थे और जो नहीं खेले थे, पिछले साल उनका क्या रिकॉर्ड्स वगैरह रहा था, तो सब कुछ आपको बताया हूँ। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैप्टन की आपके लिए देखिए 4 नंबर पर मैक्सवेल आए थे, 2 विकेट निकाले हैं, 35 रन बनाए, मैक्सवेल से अच्छी चॉइस मेरे लिए आप मेरे हिसाब से ना होगी। हालांकि परफॉर्मेंस फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेयर एक से एक है, कुछ भी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वैन डेकेट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर सकते, लेकिन मोलानी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, तो मैक्सवेल के साथ मोलानी और समित पटेल को आपने ट्राई करना तो कर लेना, बाकी ये दोनों आपके लिए अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। बाकी आप केट जेनिंग को ट्राई करना चाहें तो आप इनको ट्राई करना, फिर डैन ब्लास 6 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, क्रिस नेश, आप 2 प्लेयर को आपने रिप्लेसमेंट करना है तो आप इनकी जगह पर चेंजेस बिल्कुल कर सकते हैं। और बाकी आपने मोरिस को ट्राई करना तो यहाँ पर आप मोरिस को भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बॉलिंग में भी 2-4 ऑप्शन और भी हैं आपके पास, तो आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहें, जैसे आपके लिए ग्रेड लीग खेलते हैं तो कार्टर वगैरह कुछ एक इंपॉर्टेंट चॉइस हो जाती तो आप अपनी टीम से इनको रिमूव करके कुछ एक प्लेयर हैं आप कार्टर, देखिए पार्किंसन को आपने बिल्कुल लेना, और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, तो आप चाहो तो मैक्सवेल और इनको ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि स्मॉल लीग की बात करें तो आपके पास यही कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस रह जाती हैं, आप इन्हीं के साथ स्मॉल लीग में जाएगा, बाकी आपने जो भी चेंजेस करना है तो फ्रेंड्स अपनी मर्जी से यहाँ पर जरूर चेंजेस कर लेना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है, और आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।